हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों का। मैं मंजीत अपना एक और ब्लॉग के साथ आप लोगों के सामने आ गया हूँ। और रोज़ खाने पीने का बहुत दिखा लिया, लोगों के मुँह में पानी बहुत आ रहा है इसलिए इस बार आज का ब्लॉग रहेगा हमारा रोडवेज पे। मोबाइल की जो ग्लासेस होते हैं वो चटक जाते हैं लोगों के, तो आज मैं आप लोग को वो शॉप दिखाऊँगा जहाँ पर मोबाइल के ग्लासेस पड़ते हैं कम से कम प्राइस में। और आप लोग ये जानना चाहोगे यही कौन है, ये मेरा छोटा भाई है। और बोला कि भैया मुझे ब्लॉग में आना है आपके साथ, तो मैंने कहा भाई आ जा, क्योंकि मना थोड़ी है। तो आज जी के ब्लॉग में ये मेरे साथ रहेगा, जब तक हम जहाँ जहाँ घूमेंगे साथ में रहेगा ये, क्योंकि इसको मोबाइल के ग्लास डलवाना है। मोबाइल के ग्लास फ़ोन दिखा अपना, इसके मोबाइल का ग्लास टूट गया है, तो ये मेरे संग जा रहा है उसी शॉप पर। तो इस बहाने से मेरा ब्लॉग भी कम्प्लीट हो जाएगा और भाई का काम भी हो जाएगा कम प्राइस में। चलिए हम लोग रोडवेज की ओर निकलते हैं, चलिए आगे चल के और भी अच्छा वीडियो बनाना है, तो चल रहे हैं हम लोग, बहुत अच्छा रहेगा। बहुत गर्मी हो रही है, गर्मी बहुत हो रही है भाई, इतनी गर्मी हो रही है कि मेरी तो ब्राइटनेस बढ़ गई है। वो तो मैं फिल्टर ना लगाऊं तो कैमरे में ना हूँ। तो गाइस पहुँच गए हैं रोडवेज। आप लोग को मैंने बता दिया कि मैं रोडवेज जा रहा हूँ, और रोडवेज पे आज मैं आप लोग को जहाँ पे मोबाइल के ग्लासेस वगैरह पड़ते हैं आज मैं उस शॉप पे लेके चलूँगा। अब मेरा छोटा भाई कैमरा पकड़ेगा और मैं कैमरा से आगे आगे चलता हूँ और शॉप आप लोग को दिखाता हूँ। ठीक है, शुरू करते हैं। चलिए गाइस आप लोग को लेके चलता हूँ आजिम भाई की शॉप पर। आजिम भाई ग्लास वाले जो रोड पर बैठते हैं, मैं आपको आजिम भाई की शॉप पर लेके चल रहा हूँ। कल चलिए आ जाइए, बहुत अच्छे ग्लास डालते हैं, इसी सफाई से ग्लास डालता है भाई कि सर्विस सेंटर वाले भी क्या डालते होंगे जितनी सफाई से वो ग्लास डालता है। हेलो आदिम भाई, आदिम भाई बैठे हैं। आदिम भाई कैसे अंकल? बढ़िया बढ़िया, एकदम बढ़िया। क्या चल रहा है? ये आदिम भाई ग्लास वाले हैं, ये सारे मोबाइल के टच बोलते हैं हम लोग, ग्लास होते हैं वो चेंज करते हैं। और ये देखिए मशीनें लगी हुई हैं सारी, और प्रॉपर देखिए सारे मोबाइल के ग्लास वगैरह सब चेंज कर रहे हैं। तीन सौ से स्टार्टिंग है और 800-900 रुपए तक में एंडिंग रहता है ग्लास का। ग्लास की बात हो रही है यहाँ पे, ना कि फोल्डर की। जो स्क्रीन जो कि खाली शीशे चढ़ जाता है, डिस्प्ले होके रहती है, वो यहाँ पे चेंज होता है। ये वो शॉप है जहाँ पे पूरे बरेली के अंदर चैलेंज कर रहा हूँ, इससे अच्छा कुछ बना के देते फोल्डर को जो कहोगे वो आदमी हो। इतनी सफाई से भाई आजिम भाई लगाता है। और आजिम भाई को तो दिखाते हैं, आजिम भाई कर रहे हैं। आजिम भाई कुछ फोल्डर साइड वगैरह रेडी करें, आप दिखाओ। हाँ मैंने कुछ सेट रेडी करके रखे हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। EMI 3S प्राइम है, इसका टच ब्रेक था मैंने चेंज करके रखा है। तो भाई देख लीजिए इस, और सबसे बड़ी बात मेरे पास डिस्प्ले का कोई रिस्क नहीं, तो आप कहीं भी जाओगे डिस्प्ले का रिस्क होगा। ठीक है, अब मैं जब टच चेंज करता हूँ डिस्प्ले का कोई रिस्क नहीं होता। आप इसकी फिनिशिंग देखो, तो गाइस देख लो फिनिशिंग इसकी, देख रहे हो ना कितनी सफाई से कुछ टच नहीं लगा सकता। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ बरेली के अंदर, कितनी सफाई से आदमी भाई लगाते हैं। ये वाला जो फोन था ये तो हो गया टच, ये तो हो गया टच। ठीक है, और अब जो दिखा रहा हूँ उसका हुआ ग्लास चेंज। ग्लास और टच में फर्क रहता है, ग्लास और टच। और ये देख लीजिए फिनिशिंग इसकी, फिनिशिंग देख लीजिए। ठीक है ना, तो इसकी फिनिशिंग आप लोगों ने देख ली। और आजिम भाई अगर ये ब्लॉग देख के बंदा कोई आता तो आप इसको क्या डिस्काउंट देंगे? जो आपका ब्लॉग देख के आएगा उसके लिए कंसेशन कर दूंगा मैं। जो भी मेरा ब्लॉग देख के यूट्यूब पर देख के यहाँ पर आता है उसका आजिम भाई कंसेशन देंगे, चाहे 10% ही दें, 10% भी बहुत होता है तो 10% ही दें। तो आप लोग आगे अगर यहाँ पे अपने मोबाइल के ग्लास जरूर यहीं चेंज कराओ यार, मैं भी वहाँ पर कट के आ जाते हैं। आप लोग यहाँ पे आजिम भाई है और मैं आप लोग को पूरा एड्रेस दिखाऊंगा कहाँ पे क्या है। और हमारा वो छोटा भाई है भाई, हेलो मैं कैमरे की ओर देखो, हेलो ये छोटा भाई आजिम भाई का।
कोई बंदे ऐसे हैं डिस्प्ले भी चेंज कर देते हैं, आपको पता भी नहीं लगेगा, लेकिन मेरे पास प्रॉपर काम होता है, सब सामने काम होता है, पीछे कोई काम नहीं करता। ठीक है, अच्छी बात आगे मैं अच्छी बात होता क्या है, अच्छी बात ये कि सामने खड़ो क्या करा लो भाई, आड़ नहीं कर रखी है, आड़ कर लेंगे ना, आड़ नहीं है कि बिल्कुल खुला कर रहा है, एक खड़ो चेंज कराओ सामने खड़े जाओ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, जेनुअन पैसे इससे अच्छे, इससे अच्छे पैसे की कम नहीं है भाई, गोल्डन में खर्चे कम पैसे देते हैं। तो आज़िम भाई आप ये बताओ कि जो आप ये मशीनें लगा रखी हैं ये यहीं की मतलब लोकल की है कि आपने कहाँ से ली है, कौन सी कंपनी की है? ये मेरा कोलकाता का ब्रांड है, ये दिल्ली में मिलेगा नहीं, है ना? अच्छा, महंगी मशीन है, इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, इसलिए मैंने इसको परचेस किया है। अच्छा, मतलब दिल्ली में जो है वो उस मशीन में इतनी फिनिशिंग नहीं जितनी कोलकाता वाली में? दिल्ली में भी नहीं मिलेगा, ये मैंने कोलकाता से परचेस किया, इस मशीन का जो डेमो है वो बहुत अच्छा है, वर्किंग जो वर्किंग करती है वो बहुत अच्छा करती है, इसलिए मैंने इसको परचेस किया है। और आप यहाँ पे तो काम बहुत ही अच्छा होता है, आप एक बार जरूर आए, और जो बीर जी का ब्लॉग देख के आएगा उसके लिए मैं 10% छूट करूंगा अपनी तरफ से। चलिए ये बात, थैंक यू सो मच भाई, आपको बहुत बहुत। तो गाइस आपने आज़िम भाई की बात सुन ली है, आज़िम भाई ने जैसा कहा कि 10% का डिस्काउंट मिलेगा तो आपको मिलेगा, और आज़िम भाई बहुत अच्छा प्रोडक्ट चुपाते हैं, और मैं सिर्फ इतना कह चाहूँगा कि आप लोग अगर आपके मॉल का इलाज पड़ता है तो आप लोग यहाँ पे ज़रूर एक बार सेवा का मौका ज़रूर दें। और आप लोगों को आज मैं एड्रेस बता देता हूँ कि एड्रेस कहाँ का है, एड्रेस आज़िम भाई की जो शॉप है उसका एड्रेस है ये सामने जो आप लोग देख, मेरे पीछे जो देख रहे हो ना, मेरे पीछे जो नज़ारा दिख रहा है ये पूरा नगर निगम है, और नगर निगम के ऊपर जो बोर्ड लगा हुआ है, नगर निगम के ऊपर जो बोर्ड दिख रहा है ये नगर निगम का बोर्ड है, नगर निगम के बोर्ड के जस्ट बिल्कुल सामने, बिल्कुल जस्ट सामने सामने वाली गली है, और एके टेलीकॉम के नाम से शॉप है, एके टेलीकॉम के नाम से शॉप है, और आप लोग यहाँ पे ज़रूर आके सेवा का मौका दो बढ़िया। और फिर मैं कहना चाहूँगा कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो यार, प्लीज़, थैंक यू सो मच। Thank you.